नजरिया लागे खोलिए 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 कितना दुआएं देते हैं दी को बहुत बहुत अच्छा दी होती है ऐसा हम तो तक माने के मानी गहने कुछ नहीं लेके जाने वाले हैं हाँ हम लेके जाए तो हमारी जो दुआएं व्यवहार बिहेवियर हमारा संपद है किसके साथ कैसे बिहेवियर करती हूँ और कितने दुआएं लोग देते हैं ये भी लेके जाऊंगी कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है ना मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है आपको लेकिन जबरदस्त रिजल्ट मिला अभी तो मैं एक दिन कुछ यूज करती हूँ कुछ नहीं करूँ तो एक महीने हो गया ये वाला जो है ना छोटा वाला ये हम लेंगे कितना देखो 1 and 2 ओनली ठीक है अब दोनों मिक्स करेंगे पहले हम यहाँ मिक्स करते थे अभी हम यहाँ मिक्स करेंगे ठीक है पहले यहाँ मिक्स करते थे अब हम यहाँ मिक्स करते ठीक है तो इसको दोनों को मिक्स करेंगे मिक्स यहाँ पे जितना मिक्स मैंने करवाया ना लोगों से कुछ दाल क्या होगा इतना ठीक है ऐसे मिक्स करो दोनों को मिक्स किया दोनों को मिक्स कर तरह से जैसे हम सीरम नहीं लगाते थे उसी तरह से इसको लगा ठीक है इसको लगा के रात में सो जाना फिर सुबह वॉश कर लेना फिर सनस्क्रीन लगा लेना बस हो गया रोज इतना करना है एक एक महीने का है रेमेडी हर रोज इसको लगा के लगा के लगा के रहो और इंजॉय करो लाइफ मजा 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 सनस्क्रीन लगाना पूरा दिन सनस्क्रीन लगाना और रात में सेकेंड रेमेडी लगाना बस और कुछ नहीं पूरा दिन जब बाहर जाऊं तो बस मुंह धो के सनस्क्रीन लगा के जाऊं मेकअप नहीं करना क्योंकि अभी अभी नहीं दी मैं मेकअप निकाल दिमाग से भी और मेरा फेंक दी मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है लिपस्टिक लगाओ बिंदी लगाओ काजल लगाओ और सनस्क्रीन लगाओ कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं बस जाऊं तो अब तो मैं कुछ नहीं स्किन है ना लाइट जो लाइट आपका ट्यूबलाइट जो आपका जल रहा है वो लाइट है ना वो जैसे मिरर मिरर के ऊपर मिरर इफेक्ट देता है ना लाइट वैसे ही आपकी स्किन के ऊपर वो मिरर इफेक्ट दे रहा है लाइट है ना तो ये मिरर इफेक्ट है और कई लोग कहते हैं कई लोगों ने तो मुझसे ठीक किया अपना फेस और उसका वीडियो मेरा चैनल पे ऑलरेडी है ना एक सब्जी वाली थी ना पता है सब्जी वाली जिसका मैंने जिसकी पूरी आंखें थी उसका मैंने ठीक किया उसने बोला कि मेरा स्किन कोरियर ट्रीटमेंट से ठीक हुआ इतना झूठ बोलते लोग इतना झूठे लोग हैं इस दुनिया में झूठ बोलने और अगर अगर हमारे पास उसका वीडियो नहीं होता और अगर उसका वो हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया होता तो हम सच समझते उसको सच समझते ना है ना तो वो हम सब समझते कि हाँ कोरियन स्किन ट्रीटमेंट से हुआ लेकिन उसका ऐसा नहीं हुआ है ना उसने झूठ बोला और उसकी कई वीडियो हमारी कुकिंग विद सुल्ताना चैनल पे मौजूद है एक नहीं दो नहीं तीन है इंस्टाग्राम पे भी है वीडियो उसकी इतनी झूठी निकली वो सब्जी वाली इतनी झूठ बोली अब उसका फेस जब आगे उसका ट्रीटमेंट जो है ना उसने जल्दी जल्दी ठीक किया उसका पूरा भी नहीं हुआ था और उसने फटाफट ये सब इंटरव्यू किया तो अब आगे उसका तो कुछ नहीं होने वाला मिरर इफेक्ट ना इसको कहते हैं दिखाओ आपका मिरर इफेक्ट आपका फेस दिखाओ मिरर इफेक्ट का फेस दिखाओ ये देखिए ये इसको कहते हैं मिरर इफेक्ट ठीक है इसको कहते हैं मिरर जैसी स्किन मतलब कि शीशे जैसी स्किन इसी को कहते हैं मिरर इफेक्ट ठीक है जो आपने खुद ने लिया है ना और एकदम से चुटकी बजा के ना ये मिरर इफेक्ट नहीं मिलता है आपको 16 महीने लगे हैं मिरर इफेक्ट स्किन लेने के लिए है ना पिगमेंटेशन फ्री मेकअप लगाने की जरूरत नहीं कुछ जरूरत नहीं आप लाइफ है एंजॉय करो है ना तो इसको कहते हैं मिरर इफेक्ट जो कि लाइव दिख रहा है जो बल्ब आपके उधर जल रहा है ना वो आपकी स्किन के ऊपर ना शाइन कर रहा है मतलब उसको कहते हैं मिरर इफेक्ट इसको कहते हैं
ठीक है, और ये रियल है, कोई झूठ झपाट लंथंद नहीं है, ये रियल है। जो सच्चा इंसान होता है ना, उस सच्चाई को समझता भी है और पहचानता भी है, और झूठे लोगों को काम ही है झूठ फैलाना। तो देखो वो इससे साबित हो गया कि लोग कितना झूठ बोलते हैं, मतलब फेस टू फेस झूठ बोलते हैं। उस सब्जी वाली का ट्रीटमेंट मैंने किया, उसका कितना इंटरव्यू, कितनी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी है ना। और उसने बोला क्या कि वो उसका कोरियर स्किन ट्रीटमेंट पे हुआ, झूठ बोलते क्या। आप वीडियो जो भी देखे ना, मैं उसको ये कहना चाहूंगी कि आप लोग है ना, इन सब झांसों में मत पड़ो। सोचो कि अगर उसकी वीडियो हमारे पास नहीं होती या हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं की होती, तो कहीं ना कहीं मैं भी ये सोचती कि हाँ वाकई ही ऐसा होता है। लेकिन ये सब झूठ है, इस औरत ने ये साबित किया कि झूठ है ना। जिसका मैंने ट्रीटमेंट किया, वो सब्जी वाली, उसकी पूरी आंखें देखो है ना, उसकी मैंने इतनी अप्रिशिएट किया, मैंने सल्यूट किया उसको। वो कितना रोती थी कि मेरी वीडियो में देखो कितना रो रही है, मेरा ट्रीटमेंट कर दो, ये कर दो। उसका पूरा ट्रीटमेंट किया मैंने अच्छे से है ना, सब कुछ। और बोलती है ऐसा, झूठ बोलती है। तो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं वो इस तरह के झूठ बोलते हैं। आप लोगों को पिगमेंटेशन, जिनको पिगमेंटेशन शुरू हो रहा है ना, तो उनको मैसेज है कि आप लोगों ने ना सबसे पहला काम है ना करना क्या है मालूम, रिलैक्स होके बैठ जाना है। और दूसरा काम ये करना है कि आपने ना लेजर कराना है, ना पीलिंग कराना है, अपनी स्किन को टच नहीं करना है। जो इस तरह का मेरे पास जो आएगा, उसका 100% जो है ना रिजल्ट मिलेगा। देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन लेजर और पीलिंग के बाद क्या होता है कि रिस्क हो जाता है, क्योंकि वो स्किन जल जाती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है ना, ये सीरम लगाया, वो सीरम लगाया, ये किया, वो किया, ये होम रेमेडी, वो होम रेमेडी से झाइयां, पिगमेंटेशन, मलाजमा कभी भी नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। और अगर जाता है और कोई ये चैलेंज करता है, तो मैं ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। और लाइव, जैसे मैं लाइव सब कुछ करती हूँ ना, वैसे लाइव करके दिखाओ मुझे के, तो नहीं जाता है, नहीं जाता है। क्योंकि मैंने ना हल्दी, मिर्ची, प्याज, लहसुन है ना, अदरक है ना, नीम, कड़ी पत्ता, ये वो सब कुछ हमने, जब मेरा फेस खराब हुआ था, ताम दाम दंड भेद सब मैंने किया हुआ है। नहीं जाता है, नहीं जाता है, और नहीं जाता है। दुनिया में कोई भी इंसान पिगमेंटेशन को खत्म नहीं कर सकता। मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ, इसको सिर्फ मैं खत्म कर सकती हूँ और कोई भी नहीं। यही सच है। अभी एक्सेप्ट करोगे तो ठीक है, नहीं तो 10 साल बाद तो एक्सेप्ट कर ही लोगे जब। और दी, आपने तो क्या बोलूं, लोगों को तो समझ में आना चाहिए कि दी ना, दी झूठ बोलेगा कि कौन अमेरिका से है, कौन एक ही फैमिली में 5 डॉक्टर है, और अमेरिका में जो से दी को एकदम एक बार एक काला पड़ गया ना, वो तो 10 लाख टाका खर्च किया, 10 लाख खर्च किया। तो आपने ना मेरे बात के आप झूठ बोल रहे, वो तो वो कुछ कहीं, कुछ लोग कहां से लोग आपके ट्रीटमेंट लेने आई है, उसका वीडियो देख के कैसे, वो क्या बोलू, धन्यवाद देने के जगह तो बदनाम क्या, हमें तो ज्यादा हिंदी नहीं आती, ये मेरे दिमाग में तो आ ही नहीं सकती कि जो मेरा भला करे उसको मैं कैसे बोल पाई। ऐसे होते हैं, वो पैदा ही ऐसे होते हैं, उनके माँ बाप ऐसे पैदा करके छोड़ देते हैं कि जाओ दूसरों को तंग करो, दूसरों की इज्जत के साथ खेलो, दूसरों की सम्मान के साथ खेलो। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, दुनिया में तो मेरे जैसे लोग ही रहते हैं ना, दुनिया में आप जैसे लोग भी तो रहते हैं ना। तो हमारे माँ बाप ने ऐसे छोड़ा नहीं किसी को तंग करने के, हमारे माँ बाप ने सिखाया कि जाओ किसी के दर्द को कम करो, किसी को हंसाओ है ना, किसी को बिना बिना आपका तो जितना धन्यवाद कह सकूं तो वो तो कम है, कोई कैसे कह सकते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आते वो क्या आदमी क्या बोलूं।
ये ऐसे लोगों को कुछ नहीं बोलना होता है, ऐसे लोग इसीलिए जीते हैं, जैसे हम अच्छे के लिए जीते हैं वैसे लोग वैसे जीते हैं, तो इसलिए किसी को कुछ मत बोलिए। मैं तो सबको प्यार करती हूँ, मेरे दुश्मन को भी इतना सारा प्यार और मेरे दोस्त को भी इतना सारा प्यार। हाँ। मैं सीख दूंगी कि ऐसा मत करो, गलती बात होती है, बुरी बात होती है। देखिए जो मुझसे दुश्मनी करते हैं, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अपना काम करी, आप अपना काम कीजिए, है ना, ना आप मुझे जानती है ना मैं आपको जानती हूँ, है ना। देखिए और एक बात बताऊंगी कि अच्छे से और सच्चे से काम करोगी ना आप, तो भी आप फेमस हो जाओगी। क्या मैं यहाँ पे फेमस नहीं हुई? क्या मुझे देखिए आज हमें सिल्वर बटन मिला, तो क्या हमने मेहनत किया और हमें कितना कम समय में ये सब हुआ, कितना कम समय में? क्यों? सच के साथ है ना खुदा होता है, सच के साथ अल्लाह होता है, ईश्वर होता है ना। तो सच से रहिए और सच्चाई के आगे है ना हर चीज एक दिन हार जाता है। पार्लर जाते हैं सब बोलते हैं कैसे हो गया, कोई बौदी हमारे तो भाभी को बौदी मैंने बौदी बौदी कैसे हो गया, कितने खर्च किया है, कितने की या हम बोलते हैं आपका फोटो दिखाते हैं, आपका वीडियो दिखाते हैं, बस उसी की मर्जी हमने सब बताते हैं कि ये दीदी है तो मैं ऐसी हूँ। इंसान झूठ कितना बोल सकता है, एक बार झूठ बोलेगा, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, क्या कंटिन्यू झूठ ही बोलता रह रहा है? जो जो हमारे इस पे इंटरव्यू आ रहा है सब झूठे, बाबू तुम्ही लोग हो, दो चार लोग सच्चे हैं पूरी दुनिया में जो यूट्यूब पे काम करते हैं, मेरे खिलाफ जो बोलते हैं वही सच्चे हैं और बाकी पूरी दुनिया झूठी है। ऐसा पॉसिबल है क्या? आप झूठे हो, लोग आते हैं वो झूठा है, मैं झूठी हूँ वो झूठी है, बस दो लोग हैं या तीन लोग जो है जो मेरे खिलाफ बुराई करके वीडियो बनाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, वो तीन चार लोग सच्चे हैं दुनिया। आपका तो आपका बहन माँ जो है आप तो 500 माने 500 हो गया, तो दो तीन लोग ही तो कहते हैं। हाँ तो वो है ना, दो तीन लोग सही बाकी सब गलत है, आप भी गलत हो मैं भी गलत हूँ, आप भी झूठी हो मैं भी झूठी हूँ, मेरे चैनल पे जितने लोग हैं वो सब झूठे हैं, बस तीन लोग सही है, तीन या चार लोग हैं वो सही है, क्योंकि वो झूठा वीडियो बनाते हैं और मेरे खिलाफ बोलते हैं, और उनके पास जाने वाले लोगों का भी कमाल है कि उन्हीं की तरह होते हैं वो लोग भी, है ना, उनका भी टाइम पास हो जाता है और उनका भी टाइम। हमारी कलकत्ता में एक दादा फेमस खिचड़ी, खिचड़ी जो है ना, खिचड़ी समझते हो? हाँ खिचड़ी जो दाल, हाँ, और बैंगन बैंगन का जो है वो रेसिपी बैंगन सुंदरी बना रही, तो एक एक साथ 100 लोग खा रही है उसका दुकान में, और एक दुकान में खा रही तो एक ने बोला कि आपका जो बैगन सुंदरी है ना वो अच्छी नहीं ना, टॉक हो गया माने खराब हो गया, हाँ हाँ खराब हो गया आपका जो बैगन, हाँ खराब हो गया, हाँ खराब हो गया वो उसका टॉक के की बोले, खट्टा हो गया, जो खराब होता है तो उसका खट्टा खट्टा भाव आ गया ना, खट्टा हो गया। उस दादा ने बोला कि ठीक है अब बैठो, आपने बोला मेरा रन्ना जो खराब है ना तो मैं लैब में उसको टेस्ट करने के लिए भेजती हूँ, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो बोलचे कितना टाइम लगेगा, बोलचे ज्यादा देर नहीं 1 मिनट लगेगा, बोलचे एबार वो एक ही लोग बोला है और 100 लोग खा रही है, तो बोला कि दादा दादा आप लोग तो मेरे दुकान पे खा रही हो, कोई कुछ खराब हुआ तो 99 लोग बोला नहीं तो अब तो अच्छे है, खाना तो बहुत अच्छा है, कोई खराब तो नहीं हुई। वैसे ये दादा बोले तो बोला कि हमने लैब में टेस्ट किया है, ये लेबोरेटरी का लोग है टेस्ट किया है, आपको आप एक ही लोग बोला है ना
वो 99 लोग बोल रही है वो भी वो खराब है, इसलिए आप आपका जो खाना है उसको खराब बोल दिया है। मुझे देखा आपने देखा, एक मिनट में मैं लैब में टेस्ट कर रही हूँ, बस यही आप इतना अच्छा निकाल दिया है। समझ गई मैं, आपने बोला कि एक दुकान था जिसमें बहुत भीड़ लगी रहती थी, उसकी दुकान में बैंगन सुंदरी एक रेसिपी का नाम है, बैंगन बिकता था, बेचता था वो, और क्या बेचता था, बैंगन और खिचड़ी बैंगन सुंदरी और खिचड़ी बेचता था। 100 लोग की तादाद में रोज हर रोज लोग खाना खाते थे उसके यहाँ, है ना। उसमें से एक आदमी ने खाना खाया और उसको बोला कि जो आपका बैंगन सुंदरी है वो खराब हो गया है, खट्टा हो गया है, ठीक है। तो दुकानदार ने बोला कि ठीक है आप बैठो, मैं इसको लैब में चेक कराता हूँ, ऐसा। तो उसने वो जो ग्राहक खा रहा था जिसने कंप्लेन किया था, उसने बोला कितना टाइम लगेगा, तो दुकानदार ने बोला 1 मिनट, है ना। तो उस दुकानदार ने 99 लोगों से पूछा कि क्या बैंगन सुंदरी खट्टा है, तो 99 लोगों ने बोला कि नहीं, है ना। तो फिर दुकानदार ने उस एक आदमी को बोला कि देखा मैंने 1 मिनट में लैब में चेक करा दिया, क्योंकि 99 लोग खाकर हाँ बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, और तुम सिर्फ अकेले है जिसको खट्टा लग रहा है हमारा बैंगन सुंदरी, है ना। तो यही होता है, सही बोला आपने, बहुत अच्छा मिसाल दिया, यही हाल मेरा भी 99% लोगों का आशीर्वाद उसके सर पे है, और एक लोगों का क्या काम आएगा। बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त बात बोली है आपने, आपने ना मतलब बोलते हैं बहुत अच्छा मिसाल भी दिया, एकदम सॉलिड वाला मिसाल दिया आपने, बहुत अच्छा। ठीक है, जिसको जो करना है दुनिया में वो करता ही है, लेकिन वो भरता जरूर है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी की बद्दुआ मत लेना कभी, किसी की बद्दुआ कभी मत लेना, और बचना किसी की बद्दुआ से, क्योंकि मत सोचना कि तुम्हारा बद्दुआ देने वाले का बद्दुआ जो होता है ना वो लगता नहीं है, लगता है। आपका जो अल्लाह मेरे ईश्वर सब एक ही है, बस हम नेक आदमी होकर जी रही हो, नेक इंसान होकर जी रही हो, तो नेक लोगों का कोई कुछ बिगड़ नहीं सकती। बस मैं ईश्वर से भरोसा करती हूँ, आप अल्लाह से भरोसा करती है। किसी का भी धर्म बुराई नहीं सिखाता, अच्छा ही सिखाता है, बस मैं इतना ही जानती हूँ कि हर धर्म जो है इंसान बुरा है, इंसान बुरा है, कैसे ले इंसान में डिपेंड करता है कि वो क्या, वो कैसे है, बच्चे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा है। एग्जैक्टली, सभी एक है। इतना छोटा बच्चा को समझ में आता है, लेकिन बाकी लोगों को इतने बड़े होके भी समझ नहीं आता है ना। मेरी बिटिया की देखो कितनी समझदार है, ए हैप्पी 100 सब्सक्राइबर टू यू, ये थैंक यू, वेलकम। हम लोग इस तरह से रहते हैं, हम एक सब्सक्राइबर और एक यूट्यूबर की तरह नहीं रहते हैं, हमारी एक फैमिली है, एक रिश्ता है, फैमिली है। आप सब वीडियो में ये बोलते हो और यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ देख, उसको कौन बनाएगा फैमिली। मेरी लोग भी बाद में जाके, मेरे ही अपना लोग ही बाद बाहर जाके मेरा बदनाम करते हैं, और आप तो मेरे कुछ नहीं हो, आप मेरा जो चेहरा था वो लायक बनाया, मुझे जीने का लायक, कहीं किसी बाहर जाने का, सब एक बिना कुछ साथ थे। আমরা বলি স্বার্থ আছে, মানে বহুত আচ্ছা আর এসেই রহো। देखिए कई सही, आपने ये बात सही बोला कि घर के लोग ही हमारे बाहर जाके हमें बदनाम करते हैं, अपने लोग ही, है ना। और हमारा रिश्ता जो है ना वो जन्म का नहीं, कर्म का रिश्ता है,
और जो कर्म का रिश्ता होता है ना वो जन्म के रिश्ते से बड़ा होता है। मेरे जो ससुर जी थे ना वो बोल रहे ससुर वो बोल रही थी कि ब्लड का जो रिश्ता है ना वो अच्छा नहीं होती, ये तो आत्मा आत्मा माने आत्मा संग आत्मा जे संपर्क वे वो ही होता है अच्छा। अपना मन आप आपका दिल मेरे दिल से मिल रहे तो यही होता है अच्छे रिश्ते। हाँ ये बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता होता है ना। बहुत अच्छा, आप लोगों के साथ मेरा रिश्ता है इस तरह से हो गया है। अभी तो आप लोगों को नहीं देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है ना। मुझे आदत हो गया है जब तक मैं किसी को देख रहा हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है। जैसे एक माँ को बच्चा नहीं दिखे तो उसको कैसा महसूस होता है ना, उसी तरह से माँ की तरह अभी मैं किसी को नहीं देखती हूँ तो मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती है ना। तो हर रोज मैं इसीलिए यहाँ पे आती हूँ, हर रोज एवरीडे लाइव है ना। और मैं तो रेमेडी जब जब मुंह में यूसे आपको याद करती हूँ। बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, मजे कीजिए और दुर्गा पूजा का जो पिक है वो मुझे शेयर कीजिए तैयार होके मजे मजे की। ओके का अच्छा आपको अच्छा बोल रही एक बुरा बोल रही है इसके मेरे जो यही तो भगवान बोल रहे हैं कि आपका परीक्षा ले रहे हैं भगवान। हाँ सही कहा, बस उसे जीत जाओ तो अच्छा है भाव। आप मैंने परीक्षा में आप हंस रहे हो ना तो मैं परीक्षा में पास हो गई, बस आप हंस रहे हो आपके हो ना। आप आए थे जब स्टार्टिंग में आए थे तो आप कितने मुरझाए थे है ना, दुखी थे। अब आप देखो और वो पहले वाला देखो तो वो कैसा है, अब कैसा, आपको कोई पहचानेगा ही नहीं। आपने मुझे मुस्कुराहट दिया है इसलिए आप ही के सामने जब आती हूँ ओवर हमेशा हंसते रहो, खुश रहो। अब आपका पिगमेंटेशन नहीं आएगा वापस, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं आएगा, हम नहीं आने देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, नहीं आएगा। और अगर कुछ ऐसा हो तो मैं जिसके मैंने क्या बोलू बाँच उड़ रहा हूँ, बस आपके साथ बना ही रहा हूँ यही मेरा। जरूर जरूर रहेंगे हम लोग साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह बात होती रहेगी।